हेलो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो में देखने वाले हैं आज जो यूनिट फर्स्ट जो है उसका पार्ट सेकंड कौन सा प्रकाशीय उपकरण है ना। इस प्रकाशीय उपकरण में हमारा फर्स्ट टॉपिक कौन सा है, प्रिज्म से विचलन को समझाइए तथा प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक सूत्र जो लिखा है हमने, म्यू बराबर कितना होता है साइन ए प्लस डेल एम बाय टू अपॉन में साइन ए बाय टू, इसको क्या करना है अपने को ज्ञात करना है या निगमित करना है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रिज्म से विचलन को समझने का प्रयास करेंगे है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, अपने पास प्रिज्म है इस टाइप से है ना, ठीक है। अब इस पृष्ठ पर हम क्या करेंगे, कोई एक वर्णी श्वेत प्रकाश जब हम आपतित करेंगे है ना, क्या ये श्वेत प्रकाश है ना? कैसी है, एक वर्णी है ना। तो ये प्रिज्म विरल, ये क्या हो रहा है, आपतित प्रकाश विरल माध्यम से किस में जा रही है, सघन माध्यम में जा रही है। प्रिज्म एक सघन माध्यम का काम करेगा तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो ये श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में यहाँ से क्या होती जाएगी, विभक्त होती जाएगी। वो किस प्रकार से विभक्त होगी, वो जाना चाहिए कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, थोड़ी सी विचलित हो जाएगी यहाँ से, दो तीन है ना, इसके बाद में चार पाँच छः और अपने अभी भी सात रंगों में क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। फिर इस पृष्ठ से भी क्या हो जाएगा, उसका अपवर्तन होगा। तो यहाँ पर एक हम क्या लेते हैं, एक पर्दा लेते हैं, ठीक है। तो इस पर्दे पर ये किस प्रकार से जाएगी, एक दो तीन चार पाँच छः और सात रूप है ना। तो ये कहाँ से चलेगा, बैंगनी रंग से लेकर बै जा नी हा पी ना और ला, बैंगनी रंग से लेकर लाल रंग तक के ये अपने को क्या दिखेगा, एक श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम दिखेगा आपको। क्या दिखेगा, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम दिखेगा, मतलब ये जो श्वेत प्रकाश है अपने किस में बदल गया, ये अवयवी रंगों में क्या हो गया, विभक्त हो गया, ठीक है। और इसकी तरंग दैर्ध्य क्या है, बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य के आधार पर है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितना 8000 एंगस्ट्रॉम तक के, ठीक है। इनकी तरंग दैर्ध्य ऐसी बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य के आधार पर उसको एक स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं, है ना। अब ये जो प्रकाश है ना, ये प्रकाश इस प्रिज्म के द्वारा क्या हुआ है, अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो गया, मतलब ये इनका कुछ न कुछ अपने मार्ग से क्या हो रहा है, ये विचलन हो रहा है। यहाँ पर इस रेड के लिए कितना हो जाएगा, डेल आर हो जाएगा विचलन, है ना। ये यदि अपन किसके लिए लें, पीले के लिए लें, है ना, तो पीले के लिए क्या हो जाएगा, पीले के लिए कितना हो जाएगा, डेल वाई हो जाएगा। और वायलेट के लिए यदि बात करें तो, वॉलेट के लिए बात करें तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, डेल बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रिज्म से विचलन क्या हो जाएगा, इसको परिभाषित यदि हम करें तो प्रिज्म से विचलन के बारे में बात करें तो हम उसको लिख सकते हैं, किसी श्वेत प्रकाश का, श्वेत प्रकाश को जब हम किस पर, प्रिज्म पर आपतित करेंगे तो उस प्रिज्म से प्रकाश का विचलन, अपने सरलरेखीय मार्ग से क्या हो जाएगा, विचलन है ना, प्रकाश का क्या हो जाएगा, विचलन होगा है ना। मतलब किसी विचलन कोण डेल से, डेल एम से क्या होता जाएगा, वो विचलित होता जाएगा है ना, डेल एम से क्या होता जाएगा, विचलित हो जाएगा। तो ये क्या है, विचलन कोण है यहाँ पर, ठीक है। और ये श्वेत प्रकाश प्रिज्म के द्वारा किस में हो जाएगा, अपने अवयवी रंगों में, इसमें अवयवी रंगों में, ठीक है। तो इस घटना को अपन क्या बोलेंगे, प्रिज्म से विचलन बोलेंगे है ना। मतलब इसकी परिभाषा की जब बात करें तो जब किसी एकवर्णी प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो एकवर्णी प्रकाश अपने अवयवी रंगों में प्रकाश के अभिलंब के साथ है ना क्या हो जाता है, ये जो प्रकाश है उसके अभिलंब के साथ में किसी कोण द्वारा क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, दिख रहा है आपको। तो
उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म के द्वारा विकलन कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम रेड रंग की बात करते हैं तो उसकी तरंग धैर्य क्या है, तरंग धैर्य रेड रंग की क्या है, अधिक है। वायलेट रंग की क्या है, उससे कम है। और बैंगनी रंग की क्या है, सबसे ज़्यादा है, है ना। ठीक है, येलो रंग की उससे कम है और बैंगनी रंग की क्या है, सबसे, बैंगनी रंग की क्या है, सबसे कम है, सॉरी तरंग धैर्य क्या है, सबसे कम है। लेकिन इसके लिए विचलन कोण देखो, रेड रंग के लिए विचलन कोण क्या हो जाएगा, कम होगा, है ना। वायलेट रंग का उससे ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी येलो रंग का उससे ज़्यादा हो जाएगा पीले रंग का, और क्या वायलेट रंग का मतलब बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, कितना देन वाय। तो हमेशा जिसकी तरंग धैर्य ज़्यादा रहेगी उसका विचलन कोण क्या रहेगा, हमेशा कम रहेगा। ठीक है, ये आप लोगों को ये दो चीज़ें याद रखना। ठीक है, अब अपने को निकालना है क्या, ये तो पहला पढ़ लिया अपने, प्रिज्म से विचलन क्या होगा, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म पर आपतित किया जाता है तो श्वेत प्रकाश के जो अपने अवयवी रंग है, है ना, वो किसी अभिलंब से क्या होते जाते हैं, किसी एंगल से झुक जाते हैं, है ना, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रिज्म द्वारा विचलन कहते हैं, है ना। अब प्रिज्म के लिए क्या निकालना है अपने को, अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात करना है ना। ये म्यू इक्वल टू कितना, साइन ए प्लस डेल एम बाय टू अपॉन में कितना, साइन ए बाई टू। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या बनाएंगे, प्रिज्म बनाएंगे।